तो स्वागत है आपका आज की हमारी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता क्या है? तो विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख थी अपनी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। हड़प्पा के जो सर्वाधिक स्थल है हमें गुजरात में मिले हुए हैं, और हड़प्पा सभ्यता 8,000 वर्ष पुरानी थी। कितने हजार वर्ष पुरानी थी? 8,000 वर्ष पुरानी थी अपनी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, मैप में अगर अपन देख लें तो इधर से अपनी इंडस रिवर बह रही है, ये इधर से बहती हुई यहां गिरती है। ठीक है, तो यहां पाकिस्तान का एरिया आ गया अपना, है ना। पहले अपन एक डायमंड शेप बना ले जिसके कारण हमें समझने में बहुत आसानी जाती है। ठीक है, इस प्रकार से अपन ये चीज खींच लेते हैं, ये हमें बहुत आसानी देता है समझने में। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष हैं वो हमें कहाँ कहाँ मिले हुए हैं। ठीक है, अगर अपन पहले इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमें गुजरात में कुछ अवशेष मिले हुए हैं, कुछ राजस्थान में मिले हैं, कुछ हरियाणा में मिले हैं, कुछ उत्तर प्रदेश में मिले हैं। ठीक है, ये चार राज्यों में हमें हड़प्पा के अवशेष मिले हुए हैं। देख सकते हैं आप, ये पूरे डायमंड शेप के अंदर ही आता है। ठीक है, अब ये जो भाग है, ठीक है, ये पाकिस्तान की तरफ का है। तो पाकिस्तान में अगर अपन बात करें तो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में हमें हड़प्पा के अवशेष देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहली खुदाई कहाँ की गई थी? पहली खुदाई पाकिस्तान की तरफ की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ देख सकते हैं दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की लोकेशन क्या थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता की लोकेशन थी वो थी मॉन्टगोमरी, पंजाब में थी। ठीक है, ये पाकिस्तान वाला पंजाब है। फिर इसके बाद अगर यहाँ रिवर देख ले तो यहाँ रावी नदी बहती है। किस सन में इसकी खोज की गई? तो 1921 में इसकी खोज की गई है। इसके एक्सकवेटर का अगर देख ले तो दयाराम साहनी इसके एक्सकवेटर है। फाइंडिंग्स देख ले, फाइंडिंग्स ग्रैनरीज मिली है, जो मिला है ये देख सकते हैं आप, यहाँ खेती देख सकते हैं। ठीक है, ये जैसे अभी आधुनिक समय में जैसी खेती होती थी उस समय के लोग भी ऐसे ही खेती किया करते थे, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मेवाड़, ये मेड़ शायद इसको मेड़ कहते हैं, है ना, ये मेड़ बनी हुई है। फिर यहाँ फिर से एक खेत है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लोग खेती किया करते थे, इसको कहते हैं अपन ग्रैंडरीज। ठीक है, ये जो ग्रैंडरीज है, ठीक है, ग्रैंडरीज है वो हमें हर साइड में मिली है, ये चीज कॉमन है। ठीक है, हर साइड के लिए ये कॉमन है, ये हमें हर साइड में मिली हुई है। इसके बाद कॉफिन देख लें, तो कॉफिन क्या चीज होती है ये देख लो सबसे पहले। तो ये जमीन है समझ लो, है ना, इसमें इंसान को दफनाया जाता था। पहले के समय में हड़प्पा वासी जलाया नहीं करते थे। ठीक है, जो लाशें होती थी उन्हें गड़ा दिया जाता था। तो हमें इस प्रकार की ग्रैंडिस मिली है बहुत सारी संख्या में हड़प्पा में। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, है ना, ये हो गए दो, मेरे ख्याल से दो लोग के हड्डियां है ना, ये देख सकते हैं मटके फूटे हैं, पूरा क्रियाकर्म यहाँ किया गया है। ये शायद तब के कोई खत्म हो गया है या शायद गड़ा हुआ है, कुछ कह नहीं सकते, है ना, यहाँ देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो इसे कहते हैं ग्रैंडीज, मतलब इंसान को दफन करना। ठीक है, उसको ग्रैंडीज कहते हैं। इसके बाद अगर अपन और देख लें तो इसके बाद अपन को आईबीसी टाउन मिला हुआ है। ठीक है, इंडियन वैली सिविलाइजेशन के इम्पोर्टेंट शहर मिले हुए हैं, महत्वपूर्ण शहर शहर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये है शहर, ये देखिए इधर, ये सीढ़ियां हैं। ठीक है, ये गलियां हैं। अच्छा, ये जो हड़प्पा सभ्यता की जितने भी घर मकान थे, ठीक है, उनकी जो ऊंचाइयां थी वो हमें 5 फुट से ज्यादा, 5 फुट से लेकर 6 फुट ज्यादातर, ठीक है, 5 से 6 ही है इनकी लंबाई घरों की। ठीक है, लेकिन इसकी इनकी जो लंबाइयां रहती थी, लंबाइयां जो रहती थी वो कम से कम 90 से 100 फुट है, मतलब घर लंबे बना करते थे। इधर ऊंचाई छोटी रहती थी लेकिन घर लंबे लंबे बड़े रहते थे, क्योंकि लंबाई चौड़ाई बहुत बड़ी रहती थी। तो हमें 100 फुट तक के घर मिले हुए हैं इधर। ठीक है, ये देख सकते हैं ये गलियां हैं, कितने छोटे छोटे घर हैं, इनकी ऊंचाई कुछ है ही नहीं, है ना। तो इस प्रकार से ये अपने इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन है। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट टाउन विच इज एक्सकवेटेड स्टडी इन डिटेल। ठीक है, टॉप। इसके बाद अगर चलते हैं अपन आर्ट्स, ठीक है, आर्ट्स में चलें, कला कला हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, कला को पहचानने की उनमें बहुत योग्यता थी। ठीक है, आप देख सकते हैं ये इंसान है, ये मटका है, ये रथ है, ये दो बैल हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से शायद लोग पहले फॉर्मूला बनाते होंगे कि भाई हमें ऐसा ऐसा करना है, फिर ऐसे ऐसे गाड़ी अपनी भगेगी, है ना। तो इस प्रकार से ये मिट्टी के ये खिलौने हैं, बच्चों के साथ ये खिलौने हो सकता है, ये चिड़िया बनी हुई है। तो कहने की बात ये है कि यहाँ के लोग कला के बहुत शौकीन थे, इस समय के लोग, ठीक है। आगे अगर बात करें अपन स्क्रिप्ट ऑफ हरप्पा सिविलाइजेशन, ठीक है, स्क्रिप्ट ऑफ हरप्पा सिविलाइजेशन मतलब कला, लिपि, सॉरी लिपि, है ना, लिपि भाषा, ठीक है। तो हड़प्पा लोगों, हड़प्पा के जो लोग थे, ठीक है, वो हड़प्पा के जो लोग थे वो या तो बर्तनों में लिखा करते थे या शिलालेखों में लिखा करते थे, ठीक है। जो हमें इनकी लिखावट मिली है वो कम से कम 4 से 5 अक्षरों की मिली हुई है, ठीक है, 4 से 5 ये कॉमन अपन को मिला हुआ है। और जो सबसे ज्यादा लिखावट मिली वो हमें यहाँ 26 अंकों की सबसे ज्यादा लिखावट मिली हुई है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इस प्रकार से मतलब हमें शिलालेखों में ये चीज मिली हुई है, शायद उस समय का मुद्रा चिन्ह रहा होगा या कुछ, है ना, प्रधान का कुछ प्रमुख चिन्ह रहा होगा उस समय का, ठीक है। इसके बाद अगर अपन आगे चलें तो ये अपन को देखने को मिलता है डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है, घरेलू जानवर। तो हमें खुदाई में ज्यादातर गाय, सुअर, भैंस, कुत्ते और बकरी के अवशेष मिले हुए हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अवशेष मिले हैं, तो यहाँ के लोग इन जानवरों को पाला करते थे। फूड एंड एग्रीकल्चर की बात करें तो हमें ज्यादातर जो मिला है, गेहूं मिला है, बादाम मिला है। तो यहाँ के हड़प्पा सभ्यता के लोग ज्यादातर ये चीजें खाया करते थे, ठीक है। मांसाहारी तो नहीं थे, ऐसा कुछ अपन को मिला नहीं है, लेकिन जिसके अपन को अवशेष मिले हैं वो है गेहूं, बादाम, जो। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग ये सब चीजें खाया करते थे। रिलीजन और सिविलाइजेशन की बात करें तो यहाँ के जो लोग थे, ठीक है, वो लॉर्ड शिवा को पूजा करते थे। ये शायद देख सकते हैं, ये मुकुट बना है, शायद ये इनका प्रधान हुआ करता था, है ना। ये सब देख सकते हैं, ये लोग लोग लॉर्ड शिवा की तरफ साष्टांग प्रणाम करने में झुके हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये देख सकते हैं, हमें बहुत मतलब लॉर्ड शिवा की हमें बहुत सारी क्या बोल सकते हैं इसको, मूर्तियां मिली हुई है हमें, ठीक है, मूर्तियां मिली हुई है खोदने में, हड़प्पा सिविलाइजेशन में बहुत सारी लॉर्ड शिवा की हमें चीजें मिली हुई है, ठीक है। इसके बाद बात करें, ठीक है, पीपल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किस प्रकार के गहने पहना करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग ज्यादातर गोल्ड, ठीक है, या फिर मुलायम धातु, ठीक है, मुलायम धातु, मुलायम धातुओं के गहने पहना करते थे। जितनी भी महिलाएं थी वो मुलायम धातु गहने पहना करती थी, ठीक है। इनको गोल्ड वोल्ड का कुछ अनुभव रहता नहीं था, क्योंकि जैसे मोहनजोदाड़ो में अपन ने पिक्चर देखा, ठीक है, तो इन लोग मतलब तलवार के बल से सोना दे देते थे, टोकनिया भर के, है ना। तो इन्हें इतना धातु का ज्ञान नहीं था उस समय, ठीक है। चलिए अपन एक बार लास्ट अपन देख ले, नक्शे की बात कर ले, ठीक है, नक्शे की बात कर ले अपन। 2 सेकेंड, ठीक है, एक बार अच्छे से समझ लेना। तो ये यहां से समझ ले अपनी, ये झेलम नदी बह रही है, ठीक है, झेलम नदी, ये यहाँ का पूरा हिस्सा कितना पाकिस्तान का, ठीक है, पाक का है। तो जो हमें हड़प्पा अगर नक्शे में देखे तो यहाँ इसके साइड मिलते हैं, ठीक है, यहाँ ये हड़प्पा का साइड मिलता है, यहाँ कहीं इसके नीचे मोहनजोदाड़ो का मिलता है। लेकिन अभी अपन हड़प्पा की पहले बात करें, ठीक है। तो अगर भारत की बात करें तो भारत में गुजरात में कुछ अवशेष मिले हैं, ठीक है, क्योंकि तो अगर अपन यहाँ देखें, ठीक है, ऐसे तो ये इधर से ये हो गया, ठीक, उत्तर प्रदेश से लेके इधर तक बलूचिस्तान, पाकिस्तान बॉर्डर तक आता है ये, ठीक है, पाकिस्तान बॉर्डर तक पूरा एरिया आता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, कुछ हरियाणा में मिले हुए हैं हमें, ठीक है, कुछ उत्तर प्रदेश में इसके हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हुए हैं, ठीक है, और कुछ बताने लायक है नहीं, ठीक है। ये भी, ये चीज भी क्लियर हो गई है ना। हड़प्पा सभ्यता 8,000 वर्ष पुरानी थी, 8,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता थी, ठीक है। और जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल है वो सबसे ज्यादा किसमें, गुजरात में खोजे गए थे, ठीक है, गुजरात में खोजे गए थे। हड़प्पा सभ्यता की पहली खुदाई हुई थी 1921 में, अंग्रेजों का जमाना था, है ना, अंग्रेजों का जमाना था। सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से खोदा गया, मोंटगोमरी पंजाब में, जो इस समय पाकिस्तान का इलाका है, ठीक है, अपने इधर नहीं आता, अपने तरफ बहुत कम साइड है जिसमें अभी काम चल रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना काफी है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में अपन जितने भी इम्पोर्टेंट चीजें थी कवर कर लिए हैं ना। अब जो भी इसमें डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो बंद करते हैं, मतलब क्लास खत्म करते हैं, है ना।